जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी 6.1 एक्सरसाइज तक किया था, और नेक्स्ट हम 6.2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन और फार्मूलाज आपको आने चाहिए, वो आपने मतलब लर्न करनी है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। तो पहले हम इसके फार्मूलाज पर गौर करते हैं। बेसिकली जो मतलब एक्सरसाइज 6.2 है वो मतलब बेस करती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम देखते हैं कि जो उसका मतलब हमारे पास रफ फॉर्म में डेटा दिया गया है, जब उसको हम अरेंज करते हैं तो वो मतलब सेंटर में उसका स्प्रेड कितना या वो कितना मतलब सेंटर में जमा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये जो हमने पहले मतलब लास्ट एक्सरसाइज में हिस्टोग्राम ड्रा किया था, इसकी आप अरेंजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में जो है वो डेटा की वैल्यूज जो है वो ज़्यादा है, और साइड पे जो है मतलब डेटा ऐसा ऐसा मतलब डिक्रीज़ करता है। पहले शुरू में इंक्रीज़, सेंटर में मतलब वैल्यू ज़्यादा, फिर ऐसा ऐसा डिक्रीज़ करता है। तो भाई आप जो मतलब पॉलीगन देख सकते हैं, इसकी भी यही मतलब सेम मतलब सिचुएशन है कि सेंटर में जो है मतलब डेटा ज़्यादा मतलब वेरी करता है। और इसके लिए हमें मतलब कुछ जो इसके मेरिट्स हैं मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के, वो हमने इस एक्सरसाइज में करने हैं सॉल्व। इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसकी फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है वो है अरिथमेटिक मीन। तो मीन का मतलब जो है वो एवरेज भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब आपके पास कोई डेटा दिया हुआ और आपने उसकी एवरेज निकालनी होती है तो आप उसको अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं। असल में ये एवरेज की फॉर्म है। इसका फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसने मतलब 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। मतलब एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं 25 आउट ऑफ 30, एक सब्जेक्ट में 26 आउट ऑफ 30, और एक में 24 आउट ऑफ 30। तो आपने मतलब इन सब्जेक्ट की ओवरऑल एवरेज निकालनी हो के उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को, और मतलब जितनी वैल्यूज़ हों उतने पे ही इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75, और 3 पे डिवाइड करके तो ये आ जाएगी 25। तो उसके आप फॉर एग्जाम्पल एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। आप 3 टेस्ट इज 25। तो इसका जो फार्मूला बनता है उसको हम कह सकते हैं x बार, इसकी मतलब हम डिनोट करते हैं x बार से, और ये होता है सिग्मा x ओवर n। मतलब सिग्मा x से मुराद है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन थी, इनको हमने ऐड किया, ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के नंबर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे 1, 2, 3, तो 3 ऑब्जर्वेशन थी तो इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने इसका ये फार्मूला याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ये हमने देखना है कि फार्मूला किसका है। ये अभी हमने जो हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया था ये किसी मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मतलब टेबलर फॉर्म में अरेंज नहीं था, इसको हमने इसलिए कह सकते हैं कि ये डेटा अनग्रुप डेटा। और साथ इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला जो है अरिथमेटिक मीन का। इसके अलावा इसके 2 इंडायरेक्ट मेथड्स हैं जो इसको सॉल्व करने के, उसके 2 अलग फार्मूलाज हैं।
इंडायरेक्ट मेथड्स के अंदर हमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन करना पड़ता है, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये ए जो है ये क्या चीज़ है, ये हमें जब डेटा दिया जाएगा तो ये कोई हम अज्यूम मीन जो है वो फाइंड करेंगे, अज्यूम्ड आर प्रोविजनल मीन। और ये डी जो वैल्यू है, डी आती है हमारे पास एक्स माइनस ए करने से, मतलब जो से हमने अज्यूम मीन फाइंड किया होगा उसमें से हमने ए को माइनस करना है तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। इस तरह जो यू है यहाँ पे ए जो है अज्यूम्ड मीन है फिर से, और यू जो आता है वो इसको अज्यूम मीन जो हम मतलब करते हैं उसमें से एक्स में से माइनस करने से, और उसके बाद हाइट को डिवाइड करने से। एच जो है वो हाइट ऑफ इंटरवल है। इस तरह ये मतलब इंडायरेक्ट मेथड है, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं या इंडायरेक्ट मेथड, या इसको हम मतलब कोडिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो जिस के अकॉर्डिंग आपका मतलब क्वेश्चन आएगा आपने उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये तो था ग्रुप डेटा का, अगर हम इसको मतलब ग्रुप डेटा में देख सकते हैं, आगे जो फार्मूलाज आते हैं वो हैं ग्रुप डेटा के। इसमें हम कह सकते हैं कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या मतलब उसको जब अरेंज करके टेबुलर फॉर्म बनाते हैं उसको भी हम ग्रुप डेटा कह सकते हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। तो इसका जो फार्मूला आता है हमारे पास बेसिक, पहले मतलब डायरेक्ट मेथड का, वह एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, और जो इसका इंटरेक्ट मेथड का फॉर्मूला या इसको हम मतलब कोडिंग मेथड कहते हैं वो इसका फर्स्ट फार्मूला उस तरह के, यहाँ पे ए फिर से मतलब अज्यूम मीन होता ही है, और उसमें से अगर आप एक्स को माइनस करते हैं साथ तो सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। सेकंड वाला इसका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये भी सेम उस तरह है कि ए से मुराद अज्यूम मीन यू जो है वो एक्स माइनस ए करने से उसको हाइट से डिवाइड करने से, अगर फिर आपने हाइट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब इस फार्मूले से जो से रिलेटेड है मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो है मतलब बाकी सेंट्रल टेंडेंसी पे बात करेंगे।
हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, इसमें मतलब जो उसे मतलब फर्स्ट टू क्वेश्चन उसमें डेफिनेशन है उसमें से हमने कुछ पढ़ी है, लेकिन पहले हम इसके जो अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। तो जो पहला सेट है वो है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। तो इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसमें ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सब, तो इसको यहाँ से हम फार्मूला पहले लिख सकते हैं इसका, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा ऐसे मुराद ये है कि सिग्मा कवर्ड जो सम को शो करता है कि हमने सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। पहले हम लिखते हैं सारी ऑब्जर्वेशन, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 35 प्लस 45, डिवाइड कर देना है इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब आप इसकी मतलब काउंटिंग करेंगे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी असल में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने के लिए आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको ऐड कीजिए कैलकुलेटर के साथ। फॉर नंबर 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, ये आएगा आपके पास 196, और इसको 8 से डिवाइड करना है आपने। 196 को डिवाइड करेंगे आप 8 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका, तो 24.5। तो ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है ट्रैक मैसेज से हमने डिवाइड किया। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सेकंड वाला जो है वो आगे 200, आगे 225, अभी 350, 375, 270, 320 एंड 390। इसको भी हमने डायरेक्ट मेथड से इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसके पहले इसका डेटा लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला, सिग्मा एक्स ओवर एन, इसका मतलब यह है कि हमने सबको ऐड करना है और एन पे डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, उसके बाद आप इसको काउंट कर लें कि ये कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 7 है, तो इसलिए हम इसको 7 से तो डिवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसको ऐड करना है, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, ये आपके पास आ जाएगा 2030। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 2030/7। उसके बाद इसको 7 से डिवाइड करना है आपने, डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 290 इसका आंसर। इसके बाद देखिए जो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं, कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डेटा इन द क्वेश्चन 3 कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इसका फार्मूला था इनडायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल, दो फार्मूला से आप जिसम से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फार्मूला से कर लें प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो ये फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 12, 14, 17, 20, 24, 29,
उसके बाद 35 एंड 45। यहाँ पे जो हमें फार्मूला अप्लाई करना है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो हमें ए की वैल्यू जो है वो लेट करनी पड़ेगी। इंटरेक्ट मेथड से करना है हमने इसको। लेट ए इज इक्वल टू तो 20 आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन आएंगे एक्स और उसके बाद डी। डी जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। तो ए हमने चूंकि जूम के 20 कोई भी सेंटर में से आप वैल्यू ले सकते हैं। आंसर हमेशा सेम आएगा, आप जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। पहले ये वैल्यूज लिख लेंगे हम 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 35 एंड 45। फिर हमने यहाँ से x माइनस ए करना है। फॉर एग्जाम्पल 12 माइनस ए, ए की जगह पे आएगा 20 और इसका आंसर आएगा 12 में से माइनस करें 20 को तो -8। उसके फिर आगे 14 माइनस 20 ये आएगा -6। फिर 17 माइनस 20 ये आएगा -3। फिर आगे से 20 माइनस 20 और ये आएगा 0। फिर आगे 24 माइनस 20 ये 4। 29 माइनस 20 और इसका आएगा 9। फिर आगे 35 माइनस 20 ये आएगा 15। 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25। फिर यहाँ से असल में ये आएगा सिग्मा डी। आपने इसको ऐड करना है सबको। इन नंबर्स को आप ऐड करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे जो -8, -6, -3 फिर +0+। आप ज़ीरो बेशक ना भी लिखिए तो 4, +9, +15, +25 तो ये आपका आंसर आएगा 36। तो यहाँ पे हम लिखें 36। इसको जो हमने कैलकुलेशंस करनी है इसकी, उसके लिए फार्मूला x बार इज इक्वल टू ए। ए की जगह पे हमने लिखा था 20, फिर सिग्मा डी जो कि हमारा आया 36 और n से डिवाइड करना है। n यहाँ पे हमारे पास है 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 36 को 8 से डिवाइड करेंगे। उसके लिए 36 डिवाइड बाय 8 कैलकुलेटर का यूज़ करें। तो 20 प्लस 4.5 तो यहाँ पे आया 24.5। ये आंसर आपका सेम आया जो हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो ये हमारा ये सेम आंसर था 24.5। हमने ये मतलब डायरेक्ट मेथड से किया था और दूसरा क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट मेथड से। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसके अंदर कह रहा है 200, 225, 350, 375, 270, 320 और 290। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल दैट, ए इज इक्वल टू वो सेंटर में से वैल्यू देख लें जो या फिर 370 या ये 290 कब कर लें, ए इज इक्वल टू 290। यहाँ पे x और यहाँ पे d की वैल्यू आएगी जो कि x माइनस a के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं पहले 200 फिर 225 रेंज भी करने साथ फिर 270 फिर 290 इसके बाद 320 और नेक्स्ट है फिर 350, 375। सो इसको डी में से आपने जो ए को सपोज किया उसको माइनस करेंगे तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, पहले करते हैं एक्स को 200 माइनस 290 तो आंसर आएगा माइनस 90, फिर 225 माइनस 290 इसका आंसर आएगा माइनस 65, 270 माइनस 290 इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 20। इसके साथ 290 माइनस करेंगे 290 को तो ये आएगा ज़ीरो। सो 320 माइनस 290 इसका आंसर 30, 320 माइनस 350 सॉरी 290 ये आएगा 350 माइनस 290 60 के का, 375 माइनस 290 इसका आंसर आएगा 85। इनको आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर के साथ साथ ऐड कीजिए इसको। पहले है माइनस नाइन्टी माइनस सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी, फिर ज़ीरो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 30 उसके बाद प्लस 60 और प्लस 85। तो ये आंसर हमारे पास आ गया ज़ीरो। सबको ऐड करके आंसर आया हमारे पास ज़ीरो। और उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास 290 और इसमें ऐड करेंगे सिग्मा डी, डी हमारे पास था ज़ीरो और ओवर एन, एन की वैल्यू थी 7। तो 290 प्लस ज़ीरो उसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 290। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन सॉल्व हो गया था 290 के इक्वल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।